पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक समय पांच अंधे आपस में विचार करने लगे कि सुना है गांव में हाथी आया हुआ है और हमें कोई हाथी के पास छोड़ दे तो हम हाथी देखें। एक आंखों वाला उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा भी तुम हाथी कैसे देखोगे सूरदास, तुम्हारी आंखें तो है नहीं। अंधों ने कहा कि हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, आप कृपा करके हमें उस हाथी के पास छोड़ दीजिए। उस आंखों वाले ने उन पांचों अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया, चारों तरफ छोड़ दिया। एक अंधे ने हाथी के पैरों का निरीक्षण किया ऐसे, दूसरे ने पूछड़ का, तीसरे ने कान का, चौथे ने सूंड का और पांचवें ने पेट के आसपास हाथ फेरा। और जहां जाकर उनके हाथ जैसे पैर वाले के हाथ अट गए वो वापस हो लिया। उसने सोचा बस इतना ही हाथी होता होगा। दूसरे ने कान देख लिए कि बस इतना ही हाथी होता होगा। और ऐसे इन पांचों अपने अपने अनुभव लेकर चल पड़े। रस्ते में आंखों वाले ने पूछा किसी और ने कि कहां गए थे सूरदास, वो कहने लगे हम हाथी देख कर आए हैं। आंखों वाला कहने लगा अंधो तुमने हाथी देखा कैसे? उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं। तो वो आंखों वाला कहने लगा भाई बताओ कैसा था हाथी? जिसने पैरों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा हाथी होता है थंब जैसा, पिलर जैसा, थंब जैसा, खंभे जैसा। दूसरा बोला, अंधा बोला कि नहीं ये इसको सही ज्ञान नहीं है, मैं बताता हूं, हाथी होता है बेल्ट जैसा, पटे जैसा। उसने जो पहले वाले ने हाथी के पैर का निरीक्षण किया था वो तो खंभे जैसा ही, बस पैर को ही हाथी मानकर और निश्चिंत हो गया। दूसरे ने पूछड़ का, उसकी दूम का, पूछ का निरीक्षण किया था वो उस पूछ को ही हाथी मान के और फूला नहीं समावे। अब तीसरे ने कहा कि दोनों को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूं, हाथी होता है छाज जैसा, सूप जैसा। उसने कानों को देखा था, पकड़ पकड़ कर निरीक्षण किया था। चौथा कहने लगा इनको नहीं मालूम सही, मैं बताता हूं, हाथी होता है पाइप जैसा। उसने सूंड का निरीक्षण किया था। पांचवा कहता है ये अधूरा ज्ञान बता रहे हैं, मैं बताता हूं हाथी कैसा होता है। हाथी होता है बटोड़े जैसा। हरियाणा में एक उपलों का एक ढेर बनाया जाता है, उसको फिर ऊपर से गोबर से प्लास्टर कर दिया जाता है और जैसे प्लास्टर वाल समझो, यानी प्लास्टर की हुई दीवार समझो, मड प्लास्टर जिस पर हुआ हो, मड प्लास्टर यानी मिट्टी की लिपाई कर रखी हो, ऐसा हाथी के पेट का ऐसा वो कुछ खरदरापन होता है। अब पेट पे हाथ फेरने वाला कहता हाथी होता है मड प्लास्टर यानी कच्ची दीवार जिस पे मिट्टी का प्लास्टर हुआ हो, ऐसा हाथी होता है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 11 स्पष्ट करता है कि यतः माने जिस पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की, अदय माने उदर पूर्ति के लिए नादान लोगों ने, अधूरे मार्गदर्शकों ने, अधूरे अनुभव वालों ने वेदों को तो छोड़ दिया जो उसमें सही मार्ग और सही विधि लिखी हुई है, जितनी भी उससे प्राप्ति होनी थी उनको त्याग के और निमन सत्र के अपने अपने शास्त्र बना लिए जो कि मान्य नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, वो पूजा के योग्य नहीं है क्योंकि उनके अधूरे अनुभव हैं। वी माने नाना प्रकार की, अधू माने अधूरी घटिया, वी माने भिन्न अलग से, अकल्पयन अधूरी कल्पनाएं, व्याख्या विवरण आधार पर कि माने कोई तो अस्य माने पूर्ण परमेश्वर के मुखम माने मुख को भगवान कहता है, यानी कोई तो
कहता नहीं भगवान तो और है, वो तो मुख्य भगवान, मुख्य है उसका पूर्ण परमात्मा का। और कोई भुजा को भगवान कहता है, कोई पैर को, पाद है, और कोई किसी प्रकार से जांग को, यानी ऐसे ऐसे उन अपने अपने हिसाब की अटकलें लगा रखी हैं। अब आंखों वाला बता सकता है कि सारे मिलाकर ही प्रभु बनता है, जैसे ये 21 ब्रह्मांड और ये तो एक अक्षर पुरुष है, इसके तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और सात संख ब्रह्मांड का मालिक ये परब्रह्म है, छर अक्षर पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन सब का कुल मालिक है। वो सतपुरुष है, उसका वास्तविक नाम कबीर है, इन सब रचना से पहले भी उनका नाम कबीर है, इसलिए वेदों में उस परमेश्वर का नाम कबीर आया है। अब आपको इसी सूक्त के ऋग्वेद के मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90 के 15 और 16 श्लोक और सुनाता हूं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट वर्णन कर दिया कि 7 और 21, क्योंकि इसमें हिंट होते हैं और हिंटों को वही बता सके जिनको पूर्ण ज्ञान हो। क्या लिखा है? सपत अस्य आसन प्रीत है, त्रिसप्त समीद है, कर्ता देवा यत यगम तनवाना अबंधन पुरुषम पुषुम। अब देखो कितना प्यारा कर वर्णन दिया है। सपत माने सात संघ, सप्त माने सात, त्रिसत, त्रिसत माने त्रिसप्त माने तीन, त्रिसप्त तीन बार सात सात अर्थात 21, त्रिसप्त तीन गुणा में सात 21, त्रिसप्त यानी 21। इसमें ऐसा ही लिखा जो दास पढ़ रहा है, सप्त सात संख ब्रह्मांडों को तो सात संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म की तथा काल ब्रह्म के त्रिसप्त, अब सात संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म के और त्रिसप्त इस 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के। समीदय माने दुख रूपी आग से दुखी, कर्ता माने करने वाले, प्रिज गोला आकार रूप में सीमा में जो आसन माने विद्यमान है, यत माने जो पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की, यज्ञ माने विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, वह पशु माने बलि के पशु रूपी, देवा माने भक्त आत्मा को, तन वाना काल के द्वारा रचे फैलाए बंधन जाल से है, बंधन बंधन रहित करता है, बंदी छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है वो परमेश्वर। इस पारब्रह्म के तो सात संख ब्रह्मांड में और काल के 21 ब्रह्मांड में जो बलि के बकरे की तरह बेचारे इन्होंने फंसा रखा है, उन काल के रचे हुए जालों में के बंधन से अबंधन करता है, उनको निर्बंध करता है, उनको छुड़वाता है। और फिर 16वें श्लोक में कमाल कर दिया, जो देवा माने भक्त आत्मा अयगम अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर, यगेन माने सत भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर यजंत माने पूजा करते हैं, तानी माने वे धर्माणी धार्मिक शक्ति संपन्न प्रथमानी मुख्य अर्थात उत्तम है। कितना स्पष्ट कर दिया कि जो उस अविधिवत साधना ने छोड़ के जो भक्त आत्मा और विधिवत साधना करते हैं वो सबसे उत्तम हो गए, उनके पुण्य कर्मों का, उनके नाम के जाप का संग्रह होगा, भक्ति संचित होगी, वो सबसे उत्तम आसन माने हैं, ते है वे ही वास्तव में महिमामान, महिमान अर्थात महिमामान का अर्थ है महान शक्ति युक्त होकर, भक्ति की कमाई तय धर्मतय दानतय यज्ञतय हवनतय जपतय, ये महिमामान हो गए अर्थात ये शक्तिशाली हो गए, इनमें खूब कमाई होगी। साध्या माने भक्त जन, नाकम माने पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को, सचंत माने भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं, भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं, सत भक्ति की कमाई से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यत्र माने जहां पर, पूर्व माने पहले वाली सृष्टि के, देवा माने भक्तात्माएं संति माने रहती हैं। ओए होए होए, ये कितना स्पष्ट कहा है कि जो
उस पुर इस अधूरी साधनाओं को त्याग देते हैं जब पता लग गया हम गलत साधना करें। वो भक्ति सही भक्ति करने से भक्ति युक्त हो गई, उनमें कमाई बन गई नाम की, धर्म की, दान की, उस कमाई के आधार पर उस पूर्ण परमात्मा को वो प्राप्त हो जाते हैं। जहां पर पूर्वा माने पहले की सृष्टि के, देवा माने भक्तात्माएं, संति माने रहती हैं, जहां पर हम पहले रहा करते सतलोक में, उस पहले वाली सृष्टि यानी सबसे पहले वाली सृष्टि सतलोक के अंदर वहां चले जाते हैं जहां पर पहले वाली सृष्टि के भक्तात्मा रहती है, जहां से हम बिछुड़ कर आए थे, जहां से हम सतलोक से बिछुड़ गए थे। अब इसी का प्रमाण, अब सच्चाई को कहां तक छुपाऊं ये ऋषि जन। कबीर साहब कहते हैं, चोर चुराई तुम्बड़ी और गड्ढे पानी मां, वो गड्ढे वो बाहर आवे ऐसे सच्चाई छानी ना। अब फिर दिखाता हूं महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाषे, ये देखिएगा ऋग्वेद, ये महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाषे है। महर्षि दानंद सरस्वती ये इन्होंने टीका किया है और ये सूक्त नंबर 10, ये कांड नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का। अब श्लोक नंबर आप देखिएगा 15, इसमें सपत अस्य संति प्रिध और त्रिसप्त, ये त्रिसप्त इन्होंने कैसे किया है, यत जिस यज्ञ माने सृष्टि यज्ञ को तनवाना करते हुए देवा सृष्टि साधन भूत देव पशुम देखते हैं, पुरुष को उसमें बांधते हैं, देखने वाले दृष्टा पुरुष को उसमें बांधते हैं, इस यज्ञ की सप्त। अब देखो सप्त, अब सप्त ने ये क्या समझे जिनको ज्ञान ही नहीं, सप्त माने सात संख ब्रह्मांड, सप्त माने सात प्रीध है, छंद रूपी प्रीधि है, ये गोला आकार में प्रीधि, जैसे प्रीधि नहीं होती प्रीधि, अब सात आवरण ये अपने हिसाब से इन्होंने बनाए हैं, ऐसा नहीं, ये देखिए। फिर त्रिसप्त, त्रिसप्त माने 21, ये 21 ब्रह्मांड काल के, और ये सप्त, ये सात, सप्त माने सात, ये सात संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के। अब देखो समीध है आदि कर्ता बनाई। अब इसमें 16वें श्लोक में देखो ये स्वयं आप ही लिख रहे हैं, ये वही 16वां श्लोक है सूक्त मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 91 का ऋग्वेद 90 का, ये 91 आगे शुरू होगा, ये लास्ट है। देवा देव शक्तियें यज्ञ माने संगतीकरण आदि से अथवा अग्नि से यज्ञ सृष्टि रूपी यज्ञ को अजायत माने करते हैं अजयंत, क्योंकि तानी माने वे धर्माणी संसार के धारक बल। अब सब कुछ उल्ट सुलट करते करते फिर देखियो कहां आएगा सच्चाई, प्रथमानी मुख्य आसन माने हैं, इसका अर्थ बनता है जो सही ढंग से भक्ति करते हैं वो सबसे उत्तम भक्त आत्मा है, ते वे ही महिमान है महान सामर्थ्य वाले हुए, अर्थात जो सख्त भक्ति करते हैं उनमें भक्ति शक्ति होगी। नाकम माने आनंद स्वरूप परमेश्वर को, सचंत माने निर्मित कारण से रूप में प्राप्त करते। अब एक तरफ तो वो कहते हैं परमात्मा निराकार है और यहां स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर को निमित्त कारण से रूप में प्राप्त करते हैं। कहां यत्र माने जिसमें, पूर्व माने पूर्व सृष्टि अर्थात सतलोक के, साध्या माने सृष्टि साधन संपन्न, देवा माने देव शक्तियां संति माने रहते हैं। अब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं महर्षि जी के आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करते हैं निमित्त कारण से, अर्थात सत भक्ति के कारण प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान कहीं आकार में है जहां उसको प्राप्त करते हैं। प्राप्त करना माने उससे मिलना, उससे साक्षात्कार करना, ये स्वयं वेद बता रहा है, स्वयं अपने कर्मों से लिख रहे हैं करकमलों से, जिसमें कहां जाते हैं उस परमात्मा के लोक में जहां पहले की सृष्टि यानी सतलोक वाले साध्या सृष्टि संपन्न साधन संपन्न अर्थात वो भक्त आत्मा, देवा माने दिव्य शक्तियां, ये भक्त आत्मा
रहती हैं वहां, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप आत्म रूप में है, इसलिए उनको देवा कहा है। शक्तियां रहते हैं। अब प्रिय भक्तात्माओं, इस सच्चाई को इतना गहरा दबा दिया गया कि इसके ऊपर से मिट्टी हटाते हटाते ढेर सारा प्रयत्न करना पड़ता है, और पुण्यात्मा जो होंगी अब तुरंत समझ जाएंगी इन काल के दूतों, इन नकली संतों के जाल में नहीं रहेंगे। और इतना प्रमाण मिलकर भी जिनकी आंखें नहीं खुलती वो मूड बताए, वो मूड बताए। गीता में लिखा क्यों तो मूड है जो सत भक्ति नहीं करते। इतना कुछ प्रमाण हो कह भी यदि आपको सत नजर नहीं आया तो आपके मोतिया बंद है। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं कि फिर तो ये देखत के तो नैन जिसमें फिरा मोतिया बंद रे। जिसको सफेद मोतिया बंद हो जाए उसकी आंख सोस दिखाई देती है और उसको नजर कुछ नहीं आता, फिर तो आपके मोतिया बंद हो चुका है। इन नादान संतों के गलत ज्ञान के आधार पर जो सब शास्त्र गुरु साधना सारे भक्त समाज को प्रवेश करती, और जो पुण्य आत्मा होंगी उनके लिए कहा कि ज्ञानी सुने सो हर दल गाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे तो वो तुरंत ही सत्य को स्वीकार करेंगे और आकर के अपना कल्याण करवाएंगे, उपदेश लेंगे और पश्चाताप करेंगे उस गए हुए समय का। और मूर्ख सुने सो गम ना पाई, अनजान व्यक्ति इतना प्रमाण पाकर भी नहीं समझ सके तो फिर उनको मूर्ख कहा है। ऐसा ही कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, क्योंकि जो गरीबदास जी कह रहे हैं वो समझो कबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो पुण्य आत्मा उस परमेश्वर की महिमा हृदय से गा रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, चातुर प्राणी जिन्हें गीता का एक अक्षर भी समाज को नहीं बता रखा और लाखों की संख्या में इन भोली आत्माओं को उलझाए बैठे। और कहते हैं गीता के मर्मज ज्ञाता, और उसके उस संत की महिमा गाते हैं गीता ही के ज्ञान के आधार पर, और गीता का एक अक्षर भी नहीं बता रखा गीता में क्या लिखा है। वो चतुर प्राणी गीता की आड़ लेकर अन्य महिमा गा कर अपनी मनमुखी साधनाएं बताकर, वो तो चतुर प्राणी है। और मूड वो है जो इतना ज्ञान पाकर भी नहीं समझे तो वो उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। उनके लिए कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये विचक्षण है, ये गलत साधना बताने वाले ये संतजन ये चतुर बताए। ये चातुर प्राणी चोर हैं, चोर क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं, ये परमात्मा के भी दुश्मन है। ऐसा गीता में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता अर्जुन वो मुझे भी और अंतर्यामी रूप में रहने वाले उस परम पिता को भी दुखी करता है, उसको घोर नरक में डालूंगा। और मूड मुग्ध है ठोठ, ये संतों के निकाम के इनके दोगड़ जोठ, यानी इतना भी ज्ञान समझकर नहीं समझ में आई तो वो उन चतुर प्राणियों के योग्य हैं, 84 में जाने ही योग्य हैं। ऐसा गरीबदासी बता रहे हैं कि चतुर प्राणी तो चोर हैं, वो तो अपनी झूठी साची लगाकर आपको गुमराह करते ही रहेंगे अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। और मूड मुग्ध ठोठ, वो भोली आत्मा फिर भी नहीं समझ पाई तो उन न योग्य है, और वो फिर उनको काल के मुख में ले जाएंगे, और वो संतों के काम के नहीं है, उनके उन्हीं के साथ रहने दो, वो कहीं जाओ फिर कि किसी प्रकार दुख पाओ। लेकिन फिर भी को दयालु परमात्मा है कि भाई बार बार प्रयत्न करते हैं, हो सके ना जाने कब इंसान की आंखें खुल जावे और सत भक्ति पर वो लग जावे। अब जैसे गीता में लिखा है ना विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो पुरुष है इस काल के बारे में, और वास्तविक रूप उसका काल है। अब पुरुष माने भगवान प्रभु, वो नजर आता है जैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करावे और दुखी ना करे, वो परमात्मा होता है। अब इस काल का प्रथम रूप तो ऐसा नजर आता है जैसे कसाई बकरे पालता है और उसके लिए अलग से स्थान बनाता है,
और उनके लिए छाया बनाता है गर्मी सर्दी से बचने के लिए, उनके लिए मकान भी बनाता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए उनका डिफेंस करता है, चारों तरफ बाड़ लगा देता है और पानी की व्यवस्था करता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है, उनको फिर ऐसे हाथ से प्यार भी करता है। अब वो नादान पशु उस कसाई को अपना मालिक समझते हैं, क्योंकि उनको वो अपना स्वामी नजर आता है, सारी सुविधा प्रदान कर रखी है। लेकिन जब वो आता है उनके अंदर, वो देखता है ऐसे ये कितने वजन का हो गया, कितना मांस हो गया इसमें बकरे में, ये कितने किलो वजन होया, कितने रुपए की कीमत इसकी होगी। और वो नादान पशु उसको अपना स्वामी मान के, किसको, कसाई को, उससे प्यार करता है, उसके मुख को चाटता है और ऐसे पैरों को उसके ऊपर डाल लेता है सीने से लगाने के लिए। अब उस भोली आत्मा ने, पशु ने, उस बकरे को ये मालूम नहीं, बकरी को, कि ये दुश्मन है तेरा, ये कसाई है। और फिर किसी का पुत्र आओ, किसी की पुत्री आओ, 10 की आवश्यकता 10 ले लिए, 20 की आवश्यकता 20 निकाल लिए और 100 की आवश्यकता 100 निकाल लिए, किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, ऐसे ही ये काल भगवान है। यही महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में लीला करता रहता है, सबको गुमराह रखता है। इसका प्रथम रूप तो भगवान जैसा दिखा, जैसे बढ़िया पृथ्वी दे रखी, बढ़िया सूर्य बना रखा, बना हुआ, नीचे पानी मीठा है और फिर फलदार वृक्ष हैं, दूध दही घी सेब संतरे मक्खन कार कोठी है ठाठ कर रखे, और फिर 1,00,000 परिवार रोज टक्कर मार कर होते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के पुत्र मर गया, किसी का दामाद मर गया, और ये आनंद से 1,00,000 जीवों का आहार करता है। अब ये काल का जाल कबीर परमात्मा बता रहे हैं। अब जब आपके समझ में ये सृष्टि रचना आ जाएगी, तब आपकी सर्व शंकाओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। पूरी सृष्टि रचना को सुनकर वीर देव सिंह बघेल बहुत ही प्रभावित हुए और कबीर साहब के चरणों में गिरकर अपनी मुक्ति का मार्ग पूछा। कबीर साहब ने कहा कि पुत्र, ये युगों युगों से काल ने मेरी प्यारी आत्माओं को अपने जाल में फंसा रखा है, ये सभी मेरे ही बच्चे हैं, हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, उसमें सिख नहीं थे फिर भी 3 मजहब उसमें थे, और मैं सत बताता हूं, असत बताने वाले अधूरे गुरुओं ने इन मेरी प्यारी आत्माओं को गुमराह किया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरुओं गांव बिगाड़े, संतों गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के लगा दिए, अब झड़े नहीं झाड़े, इन नकली गुरुओं ने गांव के गांव डबो रखे हैं, एक के गांव में ना जानो कितने उपदेशी बना रखे हैं, और सब शास्त्र विरुद्ध साधना देकर के वो काल के जाल में उड़ जा दिए। वीर देव सिंह बघेल ने प्रथम उपदेश पान परवाना लिया और साहिब ने कहा कि फिर तुम्हें दोबारा सतनाम प्राप्त होगा, दोबारा दूंगा आकर के, समय आएगा जब आप अभ्यास करो पहले इस मंत्र का। कुछ दिनों के बाद कबीर साहेब वीर देव सिंह बघेल के मकान पर अर्थात उसके राज दरबार में फिर पहुंचे। वीर देव सिंह बघेल ने बड़ी सेवा की, बड़े प्यार के साथ अपने सतगुरु का आदर भाव किया और साथ में कहा कि गुरुदेव हम शिकार खेलने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ हो तो बहुत अच्छा हो। कबीर साहब ने कहा भाई
ये शिकार शिकुर खेलने, राजा जी ये तो पाप होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो क्या कहता है, जी हम खाते नहीं मांस को, हम तो बस शौक ही करते हैं, अपना एक वैसे ही जाते हैं और मनोरंजन करने के लिए। अब कौन समझावे इन बोली आत्माओं को, दूसरों की जान जावे, शिकार खेल रहे हैं और उनको हत्या कर रहे हैं पशुओं की, और अपनी हॉबी बना रहे हैं, उसको अपना मनोरंजन मान रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि मैं साथ चलूंगा तो तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा। वीर सिंह देव बघेल ने कहा, नहीं जी वहां तो जंगल में बहुत शिकार होते हैं, बहुत होते हैं, ऐसी कोई बात है। कबीर साहब बोले भाई चलो। तो अब शिकार के लिए चले जाते हैं, साथ में सतगुरुदेव भी होते हैं, कबीर साहब भी थे। सारा दिन दोपहर होगी, 2 बज गए और कोई भी शिकार, कोई भी पशु उनको नजर नहीं आया, और साथ में इतनी भूख लगी, बहुत जोर की भूख लगाई और प्यास लगाई। जल नहीं, आटा साथ में है, पानी बना, पानी के जल के बिना उस रोटी बना नहीं सकते, जल था वो पीने के प्रयोग कर चुके थे। आसपास सब जगह ढूंढ लिया, कहीं जल नहीं, और भूख से बुरा हाल हो गया, ऐसा लग रहा कि प्राण निकल जाएंगे प्यास के मारे, और भूख भी से भी निढाल हो गए। इधर उधर काफी दूर तक सैनिक घोड़े दौड़ाकर देख आए, लेकिन कहीं जल नहीं, बड़े परेशान हो गए, कितने दूर आ गए जंगल में, आसपास जल भी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि उधर देख लेते हैं, ऊपर ना, वो ऊपर एक पहाड़ी सी थी कि उसके ऊपर देख लेते हैं, शायद वहां जल हो। वीरदेव सिंह बघेल हंसे, कहने लगे जी नीचे प्लेन एरिया में तो, इस समतल में तो जल है नहीं, उस पहाड़ पर जल कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर सतगुरु तो चुप हो गए। कबीर साहब तो, एक सियाना सा मंत्री था, वो कहने लगा, उसने भी उपदेश ले लिया था कबीर परमेश्वर का। उस मंत्री ने कहा कि सतगुर की बात पूरी जाया करती है, एक बार देख तो लेते हैं। ऊपर जाकर देखा सैनिकों ने, एक कितना सुंदर सरोवर जल का भरा हुआ, निर्मल जल का, और आसपास से इतने बढ़िया फलदार वृक्ष हैं, और सब काजू किशमिश मेवे सेब संतरे, और बहुत अच्छी तरह लदपद वृक्ष हैं। उन्होंने आके बताया सैनिकों ने कि राजन बड़ा बहुत बढ़िया सरोवर है, इतना बढ़िया वहां पर बगीचा है, उसमें वन बाग भी है, सब खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, फल भी लगे हुए हैं। ऊपर जाकर देखा तो सब बड़े प्रसन्न हुए, सब ने पहले तो पानी पिया, फिर वो सेब संतरे और मेवा खाई, फिर स्नान किया और जल भर लिया अपने पात्रों में, साथ में कुछ सेब संतरे काजू तोड़ तोड़ कर सब ने अपने झोले थैले भर लिए, फिर वहां से प्रस्थान करने लगे, चल पड़े। एक किला 200 फुट की दूरी पर आके वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर से कहता, हे गुरुदेव क्या लीला है प्रभु की, जो कितने ऊंचे पहाड़ पर और कितना निर्मल जल, और कैसा बगीचा लगा रखा था, कितना बढ़िया बाग मेवे भी संतरे कितना लगा रखा है, देखो तो सतगुरु एक बार मुड़ के। ऐसे सबने पीछे को देखा, कबीर साहब ने तो देखना क्या था, वो तो स्वयं ही करण करता थे। पीछे देखा वीर सिंह ने, देखो कितना अच्छा बगीचा है, वहां कुछ भी नहीं था, ना वो जल था, ना जल रहा, ना वो मेवे रहे, न बाग रहा। उतर के घोड़े से फिर सबने देखा और बड़े हैरान हुए, फिर पूछा सतगुरु वो कहां गया, ये बगीचा कहां गया, वो जल। जो समझदार व्यक्ति थे वो मंत्री कहने लगा कि जो
ये लीला मालिक की है राजन, ये लीला इस मालिक की है। तब कबीर साहब से पूछा, सतगुरु कहाँ गया वो जल? कबीर साहब ने कहा, ये यहाँ का जल नहीं, ये सतलोक से आया था और सतलोक के बगीचे थे भाई, वो गए अपने वापस जहां से आए थे। ओहो, इस बात को देख कर चरणों में गिर गया वीर देव सिंह बघेल, वापस घर ने आए, अपनी पत्नी से बताया कि आज सतगुरु ने ऐसी लीला की, हम तो सभी के प्राण निकलने वाले थे, जल उपलब्ध नहीं हो रहा था, भूख से भी दुखी हो गए थे, ऐसा बढ़िया निर्मल सरोवर ऊपर पहाड़ पर बना दिया और इतने बढ़िया काजू और सेब संतरे, ओहो ऐसा फल हमने जीवन में कभी नहीं खाया था। और फिर देखा कुछ भी नहीं वहां पे, और हमारे पात्र जल के भरे हुए, उसको बल्कि घर ले आए और सबको दिखाया और साथ में काजू और किशमिश के सेब संतरों के थैले में रखे, और वहां पर कुछ भी नहीं। रानी ने उपदेश लिया, सारे परिवार ने नाम लिया। कबीर साहब ने कहा कि ये सारनाम फिर दिया जाएगा तुम्हें। वीरदेव बघेल ने फिर सतनाम लिया, अन्य परिवार ने प्रथम मंत्र लिया। वीर सिंह बघेला को कबीर साहब ने कहा कि सारनाम के योग्य हो जाएगा तब सारनाम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। काफी दिनों के बाद वीर सिंह बघेल ने प्रार्थना की, प्रभु यदि आपका दास सारनाम के योग्य हो गया हो तो कृपा बख्शो। कबीर साहब ने एक दो बार ऐसे ही ताला और फिर तीसरी बार जब उसने ज्यादा प्रार्थना की कि दास, आपका दास अगर योग्य हो गया हो तो सारनाम की कृपा बख्शे। कबीर साहब ने कहा भी सारनाम तो दे देंगे, पर उसके लिए थोड़ी सी शर्त है। ये साहब ने लीला की वजह से शर्त नहीं होती सारनाम देने में, संत कोई शर्त नहीं रखते, लेकिन ये कुछ कारण थे, इसके बिना वीर सिंह बघेला का अंतःकरण साफ नहीं हो सके था। कबीर साहब ने कहा कि उपदेश दे दूंगा तुझे, पर उसमें एक सफेद कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे सारनाम किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्होंने लीला करनी थी, सफेद कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी और स्वच्छ हो। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि बिल्कुल ताजा मंगवा देंगे दुकान से दाता, आप एक बार आदेश दो। कबीर साहब ने कहा नहीं, दुकान से नहीं लाना, वो कपड़ा कहां से लाना है, कौन सा लाना वो मैं बताता हूं, वही लाओगे तो बात बनेगी। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि एक बार आज्ञा दो मालिक। कबीर साहब ने कहा कि आपकी नगरी में काशी में एक चंद्र प्रभा नाम की पंडितानी है, वो विधवा हो चुकी है, उसकी एक पुत्री है, उस वो तेरी गुरु बहन है, उसने नाम ले रखा है, और उस लड़की ने, उस बहन ने, उस बिटिया ने अपने ही आंगन में एक बगीचा बोकर गंगा का जल अपने सिर पर लाला के उस बगीचे को सींचा। कैसा बगीचा? वो बाड़ी बोर बीज रखी थी, कौन सी? कपास के पौधों की। कपास के पौधों की बाड़ी बीज के उसको अपने ही सिर पे नंगे पैरों नहा धोकर स्वच्छ जल ले लाकर गंगा से और उन पौधों को सींचा, और फिर जब वो बड़े हुए उनको वो लगी कपास, उसको चुना और चुनकर उसको लोढ़ा स्वयं ही, और साथ फिर उसको काता और कात के स्वयं ही उसमें उसने अपने हाथों से एक धोती बनाई है, और वो धोती राजा तू ले आवे तो तुझे सारनाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब राजा ने कहा कि जैसे आपका हुक्म दाता, अभी जाता हूं उस बहन से प्रार्थना करूंगा। मन में सोचा ठीक है, वो बहन अगर वो 10 रुपए में तैयार होगी, वही होगी ना धोती, तो 100 रुपए दे दूंगा, 500 दे दूंगा और मिल जाएगी, कोई ऐसी बात है। राजा वीर सिंह ने संदेशा भिजवा दिया चंद्र प्रभा के पास के नगर के नरेश आपके घर पर आ रहे हैं। वो बड़ी घबराई, पहले तो भी राजा का और दास के एक गरीब के घर पर आना
पर इतना जरूर उसको मालूम था कि उसने उपदेश ले रखा गुरुदेव ने, और चंद्र प्रभा ने भी कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया हुआ था। विधवा वो पहले हो चुकी थी। फिर भी सोचा कि देख जैसे रजा मालिक की, हम तो उसकी उनकी रैयत हैं, राजा कहीं भी आओ और कहीं भर जाओ, उसके लिए कोई बनाई नहीं होती। जब राजा वहां पर पहुंचा, वीर सिंह बघेला, चंद्र प्रभा ने एक पहले ही आसन लगा रखा था, चारपाई पर बढ़िया सुंदर चादर बसा रखी, दूध गर्म करके ठंडा कर दिया और बेला लेकर दूध का पात्र, और कहा ले राजन दूध पियो। तब वीर सिंह बघेल ने कहा बहन दूध मैं पीछे पीऊंगा, पहले मेरी एक अर्ज सुन ले तू। चंद्र प्रभा ने कहा आदेश दो दीनदयाल, हम आपकी रैयत हैं। वीर सिंह ने कहा नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं बहन, आज मुझे सारनाम लेना है गुरुदेव ते, आज मेरा भाग्य उदय होगा, और गुरुदेव ने एक शर्त रखी है कि उसमें एक सफेद धोती चाहिए, और वो धोती आपके पास बताई सतगुरु ने, वो धोती मैं लेने आया हूं और आपसे एक अर्ज करता हूं, तू नाटिए मत, मना मत करना बहन। तब चंद्र प्रभा ने कहा कि राजन मेरे पास तो कई धोतियां हैं, कौन सी धोती का चाहिए आपको? राजा ने बताया कि जो धोती तूने अपने कर कमलों से आप ही बाड़ी बीज के बगीचा में और वो कपास के पौधों को सींचा था और स्वयं ही चुना है, स्वयं ही उसको काटा है और फिर बनाया है, वह धोती मुझे दे दे। चंद्र प्रभा ने कहा कि राजन मेरे पास जितनी भी धोतियां हैं चाहे सारी ले जाओ, लेकिन वो धोती मैं नहीं दे सकती, वो तो मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के नाम पे, जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ाऊंगी, भगवान जगन्नाथ के नाम से उसमें एक मेरे प्यार का एक एक तार भरा हुआ है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा बहन आज मेरा भाग्य उदय होता है, आज मेरा जीवन सफल होगा, बीच में बाधा मत करे, इस साड़ी की जो कीमत तुझे चाहिए वो ले ले। चंद्र प्रभा ने कहा कि इस साड़ी की कीमत कोई नहीं और ना मैं इसको दे सकती, आपका राज त्याग सकती हूं, आप ये गर्दन ले सकते हो, अपने हाथ से धोती नहीं दे सकती। राजा ने कहा बहन तुझे 500 रुपए दे दूंगा, आज मेरा जीवन उद्धार हो सके तो बाधक ना बने। आंखों में पानी भर लिया वीर देव सिंह बघेल ने और कहा बहन चंद्र प्रभा आज ये दया कर दे मेरे पे। चंद्र प्रभा ने कहा राजन मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ये मेरे प्रभु के नाम के एक तार मैंने अपने प्यार का गान डाल रखा है, ये नहीं दे सकती। राजा ने कहा बहन तुझे 5 गांव दे दूंगा, तुझे 5 गांव दे दूंगा तो आज मना मत ना करे। चंद्र प्रभा ने कहा कि अगर सारा राज्य भी दे तो भी ये धोती आपको मैं नहीं दे सकती, और दासी के लिए जैसा हुक्म करो राज त्यागने का तो राज त्याग दो, गर्दन काटो आपके हाथ में तलवार है, आप हमारे राजा हम आपकी रैयत हैं, पर धोती मैं तेरे तजों को ना ये नहीं दूंगी। अब इतना सख्त उत्तर पाके आंखों में पानी भरे हुए अपने भाग्य को कोसता हुआ वो राजा चल पड़ा और कहा अपने मन में कह रहा कि भगवान मेरे भाग माड़े हैं, मैं योग्य नहीं, बहुत ही कर्महीन इंसान हूं, आज मेरा जीवन उद्धार हुआ था और देख लड़की ने कैसी जिद कर ली। ऐसा सोचता हुआ मायूस होकर के घर पर आ गया, आगे कबीर परवरदिगार विराजमान थे और चरणों में आकर के कबीर साहब के चरणों में रोता हुआ बैठ जाता मायूस होकर। कबीर साहब ने पूछा राजन धोती नहीं लाए? कहता वीर सिंह ने कहा प्रभु मैं पाप आत्मा हूं, बहुत खोटे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, और इसलिए दास का ये काम बने नहीं। उस लड़की ने मना कर दिया,
उस बहन ने मना कर दिया धोती देने से, मैंने उससे हाथ भी जोड़ दिए और ये भी कह दिया कि मैं 500 रुपए दे दूंगा और साथ में 5 गांव भी बोल दिए कि 5 गांव दे दूंगा बहन तू मुझे या धोती दे दे, आज मेरा जीवन उद्धार होता है। लेकिन उसने सख्त मना कर दिया। कबीर साहब ने पूछा वो क्या करेगी उस धोती का, क्योंकि जानी जानते होता है। वीर सिंह ने बताया कि उसने बताया है कि मैं इस धोती को अपने जगन्नाथ भगवान के मंदिर में चढ़ा के आऊंगी और उसके लिए मैंने ये पवित्र धोती तैयार की है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। कबीर साहब ने कहा तो ठीक है राजन, मैं अपने शर्त को ढीला करता हूं, एक काम कर दो, उस लड़की से ये पूछो वो कब जाएगी जगन्नाथ के मंदिर में धोती को समर्पण करने के लिए। यहां से काशी से लेकर लगभग वो जगन्नाथ जी का मंदिर 800-900 किलोमीटर पड़ता है, रास्ते में ऐसे करना उस लड़की का रास्ते में सहयोग कर दे, कोई सैनिक भेजकर उसकी सुरक्षा करवा दे, उस धोती को ले जाने में और वहां चढ़ाकर वापस आने में उस चंद्र प्रभा को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। जब वो लड़की धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी तब राजा मैं तुझे सारनाम दे दूंगा। इस बात को सुनकर वीर देव सिंह बघेल बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, है परवरदिगार आपने तो इस दास के ऊपर मेहर कर दी, मेरा डूबता हुआ सूर्य फिर उदय हो गया भाग्य का। और अपने मन में सोचा कि अपनी बहन को पालकियों में बैठा कर भिजवा दूंगा, सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा साथ में और वो सुरक्षा के साथ ले जाएंगे और सुरक्षा के साथ लाएंगे। ऐसा कहकर राजा ने 2-3-4 सैनिकों से कहा कि जाओ, सिपाहियों से कहा कि उस बहन से ये पूछकर आओ कि वो कब जाएगी जगन्नाथ के मंदिर में धोती को समर्पण करने के लिए, और उसको बताना कि गुरुदेव ने राजा की शर्त को ढीला कर दिया है, ये सब कहानी बताना उसको, और तेरे लिए रास्ते में कोई दिक्कत ना हो इसलिए राजा ने कहा कि आपको पालकियों में बैठा कर भिजवा दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। उधर से चंद्र प्रभा ने सोचा था कि राजा घर जाकर कुछ सोचेगा और उठपटांग करेगा, या तो कोई आदेश भेजेगा नगरी से निकल जाने का, ना कोई और सजा देगा। राजा ऐसे निश्चल नहीं रहा करते हैं, ऐसे उनमें अहंकार होता है। लेकिन जब सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, संतों के चरणों में जो राजा आ जाते हैं वो प्रभु से डरने वाले होते हैं, प्रजा को अपना बच्चा समझते हैं, अपने बच्चों की तरह परवरिश किया करते हैं, उनको दुख नहीं दे सकते, वो स्वयं दुखी हुआ करते हैं। चंद्र प्रभा ने जब देखा कि सिपाही आ रहे हैं और अवश्य कोई बुरी खबर होगी, परंतु मैं तैयार हूं अपने प्रभु के लिए, चाहे मुझे छोड़कर देश निकलना हो और चाहे कितना ही दुख को झेलना हो, पर मैं अपने भगवान से दूर नहीं हो सकती, उनकी वस्तु अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकती जीवित अपने जीते जी। सिपाहियों ने आदेश सुनाया कि बहन राजा की शर्त सतगुरु कबीर परमेश्वर ने ढीला कर दिया, और ये पूछा है राजन ने कि कबीर साहब ने कहा है कि यदि राजा तो उस लड़की को सहयोग दे देगा जब वो जगन्नाथ के मंदिर में ये धोती चढ़ाने जाएगी और वापस आएगी, उसके बीच में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए उस लड़की को, अगर वो सुरक्षित ठीक ठाक आकर के धोती चढ़ा करके आ जाएगी तो मैं तुझे उपदेश दे दूंगा, धोती की आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा कि बहन पूछा है तू कब जाएगी, और राजा ने कहा कि अपनी बहन को पालकियों में बैठा के भिजवा दूंगा और कष्ट नहीं पाने दूंगा। इस बात को सुनकर सैनिकों के मुख से, सिपाहियों के मुख से पहले तो शुक्र मनाया अपने जगन्नाथ भगवान का उस चंद्र प्रभा ने, अक मेरे जगन्नाथ भगवान ने बड़ी दया करी, क्योंकि हम ऐसे ही अनजान हैं, गुरु कहीं और पूजे किसी को, ये भ्रम हटाना था दाता ने कि बड़ी दया करी दाता,
बड़ी सोधी दी आपने राजा को, और देख आपने तो पहाड़ टाल दिया मेरे ऊपर का, कष्ट का पहाड़ टाल दिया दाता। आपने कहा बहन, चंद्र प्रभा ने कहा सैनी को, भाई मैं बहुत शुक्र मनाती हूँ राजा का, जब एक गरीब पर मेहर कर दी, राजा ने कोई बुरा नहीं सोचा मेरा, मैं बहुत आभारी हूँ उस राजा की, लेकिन पालकियों बैठकर नहीं जाऊंगी मैं तो पैदल जाऊंगी और पैदल ही आऊंगी। तो राजा ने कहा कि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए सैनिक भेज दूंगा। तो लड़की ने कहा जैसे वो उनकी मौज है। राजा ने एक ऊंट गाड़ी या बैल गाड़ी जुड़वाई और उसमें खाने पीने का सारा सामान रखवा दिया और साथ में कई सैनिक भेज दिए कि रास्ते में इस लड़की को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लड़की ने वो तिथि बता दी, राजा ने सब प्रबंध कर दिया, खाने वाले से बनाने वाले साथ भेज दिए, खाद्य सामग्री साथ भेज दी उस ऊंट गाड़ियों में, और जब वो मंदिर में पहुंच गई वो लड़की स्नान करके, और भगवान जगन्नाथ की मंदिर में जाकर के वो धोती जो आपने हाथ से बनाई हुई थी वो समर्पण करके रख के, और कही के हे परवरदिगार अपनी दासी की या तुच्छ भेंट स्वीकार करना, ये दाता इस गरीब के पास आपका अपना दिल आपके चरणों में अर्पित है। इतने में क्या होता है कि वो सैनिक जो साथ गए थे वो भी देख रहे हैं, वो धोती वहां से उठी अपने आप और बाहर परिसर में जाकर आंगन में जाकर गिर गई। आकाशवाणी हुई कि जगन्नाथ तो काशी बैठा है, जिसने ये धोती वीर सिंह बघेला से मंगवाई थी, नादान परमात्मा धोती मंगवा रहा है और तू उसको दे नहीं पाई, जाकर उस चरणों में पटक दे, वहां माथा टेक दे, जगन्नाथ तो वहां बैठा है। उस नादान आत्मा चंद्र प्रभा का भ्रम टूटा और कहा प्रभु वो तो मेरे गुरुदेव हैं, कबीर हैं वो तो। आकाशवाणी फिर हुई, कहते नादान वो परमेश्वर है, वो कबीर परमेश्वर है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और तो उसको केवल गुरु मान रही है। कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नरकिए अंध, वो है दुखी संसार में आग गए यम के फंद। गुरु को तजय बजय जो आना, तापस्वा को फोकट गाना, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। अब उसके बाद उस धोती ने उठाकर वह लड़की वहीं से रोना प्रारंभ किया था, आंखों में आंसू, रस्ते में कभी रोटी खावे कभी नहीं खावे, और कह दाता हमें मेरी तो अपने भूल का समाधान कर दिया, मुझ पापन पे कैसी रहम करी दाता, मैं तो आपको एक मामूली संत एक व्यक्ति मान रही थी, मुझे नहीं मालूम था मालिक आप स्वयं आए हुए हो, और देख मैं कितनी अभागिन, देख मैं कितनी कर्महीन, आप रोज कहा करते थे गुरु मानुष कर जानते वो नरकैये अंध, वो है दुखी संसार में अग गई के पन, और मैं आपको गुरु भी बना रखा था और आपको भगवान नहीं माना मालिक, आप तो वास्तव में प्रभु हो। अब वो लड़की जब वहां पहुंची काशी में, उस दिन भी कबीर परमेश्वर वीर देव सिंह बघेल के राजा के दरबार में ही विराजमान थे। पहले वो लड़की कबीर साहब के कुटिया पर गई, उस झोंपड़ी में जब नहीं मिले, पता चला कि वो तो राजा के यहां गए हैं वीर सिंह के, तो वीर सिंह नरेश के वहां पे वो लड़की पहुंची। लड़की रो रही है, आंखों में आंसू भर भर के, और कपड़ा यहां से गीला हो गया उसका रो रो का आंसुओं से, कबीर साहब के चरणों में गिर के रख कर उस धोती को, और बहुत रो रही है, बोला भी नहीं जा रहा है, मुख से वचन नहीं कहे जा रहे, इतना बुरी तरह रो रही है। अब वीर सिंह को चिंता बन गई कि क्या हो गया, इन नादान सिपाहियों ने क्या इस बहन की सुरक्षा नहीं की, किसने क्या कह दिया इसको, क्या तकलीफ होगी रस्ते में, देख मैं कितना कर्महीन हूं, अब मुझे नाम नहीं मिला, इस लड़की को किसी ने कोई कष्ट दे दिया है। सैनिकों को बुलाया कि सैनिक को इधर आओ, क्या हो गया इस बहन को, निकम्मे तुमने किस लिए भेजा था, सुरक्षा क्यों नहीं की तुमने।
वो सैनिक कहते हैं कि कोई सुरक्षा में कोई कमी नहीं रही परवरदिगार, बिल्कुल ठीक ठाक अपनी बहन को ले गए, ठीक ठाक आई है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने पूछा ये रो क्यों रही है? राजा ने पूछा सैनिकों से, सिपाहियों से जो साथ गए थे, तब उन्होंने सारी कथा सुनाई कि इस बहन ने जो ही वो धोती जगन्नाथ जी के मंदिर में समर्पण की, ये वहां से धोती उठ गए और बाहर आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि भगवान तो वहां काशी में बैठा है, जो वीर सिंह बघेला के द्वारा तेरे से धोती मंगवाई थी वहां क्यों नहीं दी उस भगवान को, परमात्मा ने तुझे धोती मंगवाई और यहाँ पत्थर पूजने आ गई तू। परमात्मा बैठे काशी में वो जगन्नाथों के जगन्नाथ। ओए होए, फिर वो वीर देव सिंह बघेल की भी आंखें खुल गई, मैं तो इनको आम व्यक्ति मान रहा था, अब कबीर साहब ने एक तीर में दो शिकार करने थे। उधर तो उस नादान का भ्रम तोड़ना था, वो भगवान कहीं और गुरु कोई और है, गुरु को कुछ और भगवान मंदिर में है। उधर से वीर सिंह बघेल के भी अंधेरा हटाना था, और जब तक ये आपका विश्वास नहीं हो जाएगा कि परमात्मा तुल्य है, ये संत परमात्मा की कृपा पात्र है, तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। तब वीर सिंह भी रोने लग गया, एक पैर पकड़ के और कहने लगा दाता आपने मेरी आंख खोल दी, और ये धोती धाती का लेना देना कुछ नहीं था, आपने आपने तो इस पाप आत्मा का उद्धार करना था मालिक, अभी तक मैं आपको एक केवल इंसान और गुरु मान रहा था दाता, अक्षमा करना मुझ नीच पे। तब कबीर साहब ने कहा बेटा तू आज हो गया सारनाम के योग्य, और फिर उसको दोनों को सारनाम दिया, क्योंकि उस लड़की का भी अंधेरा हटाना था, कहीं गुरु कहीं और जाओ मंदिर पूजन। तो परमात्मा कबीर साहब ऐसे दयालु हैं, ऐसे वीर देव सिंह उस दिन के बाद पूर्ण समर्पण कबीर परमेश्वर में हो गया। एक बिजली खां पठान नाम के मगहर राज्य के मगहर रियासत के नवाब थे, मगहर, मगहर स्थान जो है गोरखपुर जिला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब वो जिला कबीर नगर, जिला संत कबीर नगर के अंदर आता है। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के नवाब थे बिजली खां पठान। एक बार मगहर क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल गिरता है, इतना भयंकर दुर्भिक्ष गिरा कि सभी चारों तरफ के व्यक्ति भूख और प्यास के मारे त्राही त्राही करने लगे, बारिश हो नहीं रही थी। उन्होंने मुसलमानों ने अपने हिसाब से पूरे जंतर मंतर किए बारिश करवाने की पूरे प्रयत्न किए, परंतु नहीं हुई। हिंदू संतों की भी सहयोग चाहा, क्योंकि हिंदू भी वहां पर बराबर के रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अब ये निश्चित हो गया कि बहुत बुरा हाल होगा यदि वर्षा नहीं हुई तो। किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के, वैसे वास्तव में परमेश्वर का कबीर देव नाम है, कबीर देव, और अपभ्रंश करके उनको कबीर कहने लगे, तो अब कबीर ही नाम ज्यादा बोला जाता है। वो कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा तुल्य है, यदि वो मेहर की नजर कर देंगे तो वर्षा हो जाएगी और ये संकट आपत्ति आपकी तुरंत टल सकती है। बिजली खां पठान ने, मगहर नवाब ने, दो सैनिक घोड़ों पर भेजे और साथ में वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश के नाम एक सद्भावना पूर्वक पत्र लिखा। वो दोनों के दोनों सैनिक पहले वीर देव सिंह बघेल से मिले, पत्र में लिखा था बिजली खाने के आपके नगर में कोई कबीर नाम के, कबीर साहेब, कबीर देव नामक संत रहते हैं, और सुना है उनमें बड़ी करामात है, और हमारे यहाँ पर बहुत बुरा हाल, दुर्भिक्ष से बहुत बुरा हाल हो गया है, और कृपा करना, उनसे प्रार्थना करना, यहाँ आए और हमारे यहाँ वर्षा करवा दें। बिजली खां पठान की इस पत्र वार्ता पत्र में पढ़कर
वीरदेव सिंह ने एक पत्र लिखा और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा कि संतों को ऐसे नहीं कर बुलाया करते, राजा स्वयं आवे, उसको कहो नवाब को स्वयं आवे और विनम्र प्रार्थना करे चरणों में मस्तक टेक के, यदि मैं आदेश दे भी दूंगा और ये चले जाएंगे, प्रथम तो मैं आदेश दे नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, और मान लीजिए अगर मेरे गुरुदेव ना होते और मैं इनसे आदेश दे देता और ये वहां चले भी जाते मन मार के, यदि हृदय से ये कृपा नहीं बख्शेंगे तो वर्षा नहीं होगी, तो इसलिए वो स्वयं आवे, सैनिकों से भी कहा, पत्र भी लिख दिया कि आप स्वयं आओ और मैं भी आपके साथ चलूंगा, प्रार्थना करेंगे दोनों मिलकर और तब ये रजा बख्शे तो सब कुछ हो सके, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, इसमें निसंदेह रहना, यदि ये खुश हो गए वहां चले गए तो संकट निवारण में कोई दिक्कत नहीं। अब उधर से सैनिकों ने भी पता किया आसपास के लोगों से कि ये कबीर नाम का कोई यहां पर संत है वो कैसा है, उनमें कितनी शक्ति है, जो भी मिले वो यही कहे कि आज के दिन अल्लाह आए हैं, स्वयं खुदा उतरे हुए हैं, इनकी मेहर की नजर जिस पर हो जाती है उनके पौबारा हो जाते हैं, वो सदा सुखी हो जाते हैं, सर्व कष्ट निवारण हो जाते हैं। दोनों सैनिक वापस मगहर नरेश के पास गए, बिजली खां ने पूछा कि क्या रहा, क्यों नहीं आए महात्मा बिजली, उन्होंने अपनी मौखिक बात भी बताई और कहा कि वीरदेव सिंह बघेल ने एक पत्र लिखा आपके नाम, और उन्होंने ये भी कहा कि राजा से कहना कि वह स्वयं आवे और करबद्ध होकर प्रार्थना करें और तब प्रसन्न होके ये चलेंगे महात्मा तो बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसे संतों को नहीं बुलाया जाता, अगर ये आ भी जाएंगे तो रजा नहीं बख्शेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिजली खां पठान मगर नरेश ने उन सैनिकों से पूछा, क्या तुमने वहां किसी व्यक्ति से पूछा हो वह कैसे महापुरुष है, क्या उनमें कोई शक्ति है या नहीं? तो सैनिकों ने कहा, जी हमने जिससे भी बात की वो तो यही कह रहे थे कि खुदा आए हैं, इनके लिए ये जरा से कार्य है, इनकी मेहर की नजर हो जाता है। बिजली खां पठान सैकड़ों अंगरक्षक लेकर और वहां से प्रस्थान कर देता है। वीर सिंह बघेला के पास पहुंचे, वीरदेव सिंह बघेल के पास पहुंचे, आव भक्त हुई, जलपान किया और फिर वो प्रार्थना की कि कहां वो परमात्मा। बिजली खां पठान ने नरेश वीरदेव सिंह से पूछा और एक बार मुझे उनकी दर्शन करवा दो। वीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान दोनों नवाब दोनों नरेश कबीर साहब की झोपड़ी में जहां वो बैठे बैठे कपड़ा बुने थे और वहां पहुंच गए। वीरदेव सिंह बघेल ने उपदेश लिया हुआ था, दंडवत प्रणाम किया उस रेते में मिट्टी में लेट के। अब बिजली खां पठान, क्योंकि जितने भी उच्च अधिकारी हुआ करते हैं ये पिछले पुनकर्मी हंस होते हैं, इनमें सबता विनम्रता हुआ करती है, बेशक से राज अभिमान में अभिमानी बन जाते हैं अनजान पने में, लेकिन प्रभु के प्रति लगाव फिर भी बराबर बना रहता है। दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, तब कबीर साहब ने कहा कि आज दो दो राजा नरेश इस दास की कुटिया पर कैसे आना होगा, कैसे आना हुआ आपका? तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जानी जान हो दाता, ये बिजली खां पठान मगर स्टेट के मगर रियासत के नवाब हैं और वहां बहुत भयंकर अकाल पड़ा है और वीर बाकी ये प्रार्थना आपसे करने आए हैं। बिजली खां पठान से कहा कि बिजली खां प्रार्थना करो परवरदिगार ते। तब बिजली खां ने कहा कि दाता मेरे वहां राज्य में बहुत दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, तराई तराई मची हुई है, वर्षा नहीं हो पा रही दाता, हमने खूब कोशिश की है, आपकी मेहर हो जावत है आपके बच्चे वहां पर जीवित रहे, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले, आपसे अर्ज करने आए हैं, एक बार चल के नगरी को कृतार्थ करें, वहां चरण रखें अपने पवित्र चरण कमल, वहां पर उद्धार हो उस नगरी का। कबीर साहब ने स्वीकृति दे दी, ठीक है चलते हैं। घोड़ों पर बैठा कर साहिब को घोड़े पर बैठा करके और बिजली खां पठान
ले आता है। मगर नगर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, आधा मील की दूरी पर क्या देखा कि एक नाथ महात्मा, वो तो कबीर साहब ने बताया बाद में कि ये गोरखनाथ था, एक नाथ परंपरा के महापुरुष, एक सूखी हुई तलैया अर्थात स्मॉल टैंक ऑफ वाटर, छोटा सा जोड़ी बोलते हैं उसको, थोड़ा सा पानी आ जाए उस थोड़ी सी तालाब में, लेकिन उस समय वो सूखा हुआ था, उस थोड़ी सी कैपेसिटी वाला, थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी थी पानी आने की, था छोटा तालाब तलैया सी, उस तलैया के ऊपर वो नाथ जी विराजमान थे, आसन लगा रखा, साथ में त्रिशूल गार्ड रखा। कबीर साहब ने घोड़ा रुकवाया, उतर गए और कहा कि ये मालिक बैठे आपके आपके ही नगरी के पास, और यह इतनी दूर तुम आप गए वीर बिजली खां, ये तो महापुरुष हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, प्रार्थना करो महात्मा से। बिजली खां पठान ने आकर के चरणों में ऐसे प्रणाम किया और अपना दुख बताया। वो नाथ जी अर्थात वो गोरखनाथ थे, गोरखनाथ जी खड़े हुए और जाकर के जोहड़ी उस छोटी सी तलैया पे, उस स्मॉल टैंक ऑफ वाटर, बिल्कुल थोड़ा सा जिसमें बहुत कम पानी आता है लेकिन वो सूखा पड़ा था, उसको के बीच में जाकर ऐसे त्रिशूल मारा और ऐसे निकाल दिया, उसमें से एक फवारा निकला जल का, और वो तलैया देखते देखते पानी से भर गई। कबीर साहब ने कहा देखो भाई कमाल कर दिया है, कितना पानी भर दिया नाथ जी ने, और तुम इतनी दूर गए काशी में मेरे पास, ये तो यहीं बैठे थे परवरदिगार आपके द्वार पे, अब वो तलैया भर के पानी की वो फवारा बंद हो गया। कबीर साहब ने कहा देख भाई बिजली खां पठान मौजे मौज होगी है, कितना ठाठ कर दिए, बहुत है ना ये जल। बिजली खां ने कहा दाता इसमें तुम्हारे एक दिन के पशु भी पूरे नगर के नहीं पानी से तृप्त हो सकते, दाता वर्षा हो तो बात बने। कबीर साहब ने कहा कि अर्ज करो वर्षा की भी महात्मा तय। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ जी रजा बख्शो अपनी प्रजा पे और एक वर्षा हो जा। नाथ जी ने बड़ा गुस्से में होकर कहा कि तुम्हारे पुण्य नहीं है, तुम्हारे तो यहां जो है 3 वर्ष भी वर्षा का संयोग नहीं है, ये तो हमने अपनी कृपा से अपनी शक्ति से अपने कोटे से तुम्हें यह जल दिया है, तुम्हारे भाग्य के पुण्य वर्षा खत्म हो चुके, तुम्हारे पुण्यों से जो वर्षा होनी थी वो तुम्हारा संस्कार नहीं है और 3 वर्ष तक नहीं है। अब 3 वर्ष की सुनकर और गणे घबराएंगे, और साथ में गोरखनाथ जी ने कहा कि अगर किसी में शक्ति है तो करवा के दिखा दे, वर्षा करवा के दिखाए। कबीर साहब ने कहा नहीं हम तो आपके दास हैं मालिक, हम तो अर्ज कर रहे हैं आपसे, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो चाहो सो कर सकते। ऐसा कह के कबीर साहब ने कहा कि जाओ बिजली खां तुम अपने घर में जाओ। बिजली खां पठान और भी गांव के दर्शक सैकड़ों और आगे थे, वो सभी चल पड़े। कबीर साहब ने कहा कि मैं यहां बैठता हूं और सुबह आना तुम मेरे पास। बिजली का पठान अपने सैनिकों के साथ वहां से चल पड़ा और साथ में नगर निवासी। कबीर साहब वहां बैठ जाते हैं, जहां पर गोरखनाथ जी बैठे थे उससे 200 फुट की दूरी पर, ऐसे ध्यान मगन दुख वो कृपा वो लीला कर रहे थे, और आधा घंटा के अंदर वो गांव में नगरी में पहुंचे भी नहीं थे, वो सारे के सारे बिजली का पठान और उनके साथ सैनिक, इतने में इतनी जोर की वर्षा हुई सब तालाब भर दिए, बहुत जोर की वर्षा, 1-2 घंटे तक खूब जोर की वर्षा हुई, पानी जल ही जल हो गया, सारा नगर उठ गए और साथ में बिजली का पठान सब वापस आए।
और पड़ गए परवरदिगार के चरणों में कबीर परमेश्वर के और जय बोले मालिक की। वहां से उनसे प्रार्थना की, दाता एक बार नगरी में चलो। कबीर साहब ने कहा नगरी में जब चलूंगा जब तुम मेरा उपदेश ले लोगे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।